में आपके इस लाइन में साइफन के अप साइड पे आपका पानी मौजूद होगा। जब आप इस चिल्ड वाटर के पंप को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये पानी आपकी एयर रह जाएगी, ये आपका ग्लाइकोल वाटर मिक्स हो जाएगा और ये जो आपकी स्टीम आ रही है ये पीछे से पंप ने स्लज का प्रेशर बढ़ाया, स्लज वाले पंप भी होते हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ, वो स्लज आपके साइफन में आ जाएगा। अब इससे बचने के आज हम आपके लिए जो एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि जो हम प्रेशर गेज के साथ हम साइफन्स का यूज करते हैं, इसका क्या मकसद होता है, इसको क्यों यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई आपको चिल्ड वाटर पंप और कूलिंग वाटर पंप के साथ कौन सा साइफन इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपने कहीं पे एब्जॉर्प्शन चिलर है या आपके बॉयलर्स है या आपका कोई भी हैवी हीट वाला इक्विपमेंट है जो स्टीम बनाता है, तो उसके अंदर आपको कौन से साइफन और उसका वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल आपको समझ में होना चाहिए कि अगर हम बॉयलर के ऊपर साइफन यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगा, अगर आप चिल्ड वाटर की लाइनों के अंदर साइफन यूज कर रहे हैं या कूलिंग वाटर की लाइन के अंदर पंप के साथ यूज कर रहे हैं या चिलर के साथ इनलेट आउटलेट पे यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम वेरी सिंपल, जो आप चिल्ड वाटर और कूलिंग वाटर की लाइन के अंदर आप उस पानी का प्रेशर नोट करने के लिए आप जो गेज, क्योंकि गेज आपको फिजिकली रीडिंग प्रोवाइड करती है, किसी भी जगह पे आपने अगर फिजिकली रीडिंग देखना है कि भाई इस लाइन के अंदर चिल्ड वाटर का कितना प्रेशर चल रहा है, ये गेज आपकी एएचयू के साथ भी हो सकती है, ये गेज आपकी चिलर के पास भी हो सकती है, ये गेज आपके पंप्स के पास भी हो सकती है, ये कहीं पे भी आप जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है प्रेशर नोट करने की ये आप गेज वहां पे लगा सकते हैं। लेकिन इसका लगाने के साथ साथ इसके साथ इसको जहां पे भी लगाएंगे आपको साइफन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप साइफन का यूज नहीं करेंगे तो आपकी गेज बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। वो किस तरीके से, अभी हम बात कर लेते हैं। अगर आपने लिक्विड लाइन यानी कि नॉर्मल चिल्ड वाटर, हॉट वाटर या फिर आपने पंप के साथ चिलर के साथ लगानी है तो वो आपने इस टाइप की, ये आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब है बेंड ट्यूब, इसको लगाएंगे। ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक आपका साइफन है, ये आपकी मेन चिल्ड वाटर है जिसमें से आपने प्रेशर नोट करना है। ये एक छोटी ट्यूब होती है, ठीक है, ये जो साइफन होता है ये गेज के साथ लगती है, ये आपकी चिल्ड वाटर या हॉट वाटर या कूलिंग वाटर की लाइन के अंदर इसको आप इस साइफन को लगाते हैं। सॉकेट लगा के लगाइएगा, सॉकेट लगा के डायरेक्ट वेल्डिंग ना कीजिएगा इन चीजों को, सॉकेट लगा के आप इसको लगाएंगे। अब इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग ऐसी होती है जैसे इसको समझने के लिए आप यू ट्रैप, आपकी डिफरेंट ट्रैप्स जिनको बोलते हैं, यही काम आपका ये साइफन भी कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि आपने ये समझ ले कि अभी आपके पंप्स बंद हैं, अभी आपके पंप्स बंद हैं या आपकी लाइंस खाली हैं, आपने उसमें पानी को फिल किया। अब आपने उसमें पानी को फिल कर दिया, फिल करने के साथ इसको इन गेज को और साइफन को जब आपने न्यू इंस्टॉलेशन करनी होती है ना, तब आपने बहुत अपने जहन में चीजें रखनी होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बाद में नुकसान से बचाती हैं। अब ये क्या होगा, जब आपने इसकी न्यू इंस्टॉलेशन की गेज की तो आपने इस साइफन के अंदर अप साइड पे पानी फिल कर देना है, अब आपने इस साइफन के अंदर पानी फिल कर देना है, ठीक है, उसके बाद आपने इन लाइन्स के अंदर पानी को फिल कर देना। अब जब आप इसको पंप को चलाएंगे तो क्या होगा, ये यू ट्रैप है, ये पानी अगर आप इस साइफन में भर देंगे, अगर ये स्टेट है अपसाइड पे है तो ये पानी आपका, अगर ये लाइंस खाली भी होंगी ना तो ये जो पानी आपने साइफन के, ये ग्रीन जो है ना ग्रीन, क्योंकि इसका लेवल है ये आप देख रहे हैं, ये मूव हुआ बेंड हुआ यहां से इस पानी, ये पानी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये पानी यहाँ पे स्टे होगा, ये गेज में आपके इस लाइन में साइफन के अपसाइड पे आपका पानी मौजूद होगा। जब आप इस चिल्ड वाटर के पंप को ऑन करेंगे
तो क्या होगा, ये पानी आएगा आपका चिल्ड वाटर, ये पहले जो पानी मौजूद है ना उसको आगे पुश करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका ये साइफन बिल्कुल खाली हो ऊपर से और आप चिल्ड वाटर के पंप को ऑन करें और वो पानी का प्रेशर एकदम से आए और वो डायरेक्ट आपकी जो गेज की बोर्डन ट्यूब्स होती हैं उनको डैमेज कर दे। तो ये बेसिकली साइफन जहां पर भी यूज किया जाएगा ये सेफ्टी के तौर पे किया जाएगा, गेज की सेफ्टी के तौर पे। यही मकसद होता है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिक्विड हो जो आपकी गेज में मौजूद हो, जो आप पंप ऑन करें तो वो जो लिक्विड पंप की पंप उसको कंप्रेस कर रहा है, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है लो प्रेशर को, तो वो आके उस वाले लिक्विड को पुश करे, ना के डायरेक्ट आके हिट करे किसी चीज से। तो ये तो हो गया, आपने अगर चिल्ड वाटर की लाइन चिलर से इनलेट आउटलेट जहां पे भी आप चिलर सिस्टम है, बॉयलर सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कहीं पे बॉयलर यूज कर रहे हैं या आपने गीजर के ऊपर भी अगर आप गेज लगाना चाहते हैं कि भाई मैं इसका फिजिकली प्रेशर भी देखना चाहता हूं कि इसका कितना प्रेशर चल रहा है, तो उसके अंदर आपको ये यू टाइप जो आपका साइफन है ना, यू टाइप आपने इसको यूज करना है। अब इसका यूज करने का क्या तरीका है, ये साइफन जब भी आप साइफन के बारे में जहन आए तो आपने इसकी इंस्टॉलेशन लाजमी, अगर आप कहीं पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उस दौरान आपने इन चीजों को अपने जहन में रखना है। अब आपको पता है कि बॉयलर्स के अंदर स्टीम बनती है, आपने बॉयलर के इंटरनल प्रेशर को नोट करना है, तो उसके इंटरनल में कुछ पानी गर्म हो रहा होगा, कुछ उसमें स्टीम बन रही होगी। अब जाहिर सी बात अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट आप विदाउट साइफन, इससे साइफन की वर्किंग डिफरेंट है, लेकिन अगर आप साइफन यूज ही नहीं करते, डायरेक्ट एक ट्यूब लगाते हैं छोटी सी सॉकेट लगा के आप गेज लगा देंगे, तो वो स्टीम डायरेक्ट जाके आपके इस बोर्डन ट्यूब को जो गेज को मूव कर रही है उसके अंदर प्रेशर को, वो एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर गेज की वर्किंग के ऊपर, लेकिन उसकी बोर्डन ट्यूब को जो स्टीम डैमेज कर देगी क्योंकि स्टीम हाई टेम्परेचर होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पे गेज को बचाने के लिए हम फिर इस यू टाइप हम साइफन का यूज करते हैं। अब इसका क्या मकसद, इसको जब आपने इंस्टॉल करना है ना, आपने इसके अंदर कुछ लिक्विड फिल कर देना। अब लिक्विड आपका पानी और ग्लाइकोल भी हो सकता है, ठीक है, उस और डिफरेंट ऑयल भी हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है, ग्लाइकोल ज्यादातर यूज किया जाता है। अब इसका क्या, अगर आप खाली पानी यूज करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर ये जो पानी होगा ना इसके अंदर अगर आप यू ट्रैप में फिल करेंगे वो पानी आपका वाइपर्स भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ग्लाइकोल और वाटर डाल लेना है ताकि आपका पानी वेपराइज ना हो। फिर जब आपकी स्टीम आएगी ना, अब आपने इसको इस लेवल पे रखना है, दोनों को बराबर लेवल पे रखना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस लेवल से लेके इस लेवल तक आपने पानी फिल कर देना है। अब इसके ऊपर वाले शेल पे आपने गेज पहले नहीं लगानी, आपने पहले पानी भर लेना है जो ग्लाइकोल मिला हुआ पानी, उसके बाद आपने ऊपर से गेज लगानी है। तो जाहिर सी बात है यहां पे आपकी एयर रह जाएगी, इस साइड पे आपकी यहां पे एयर होगी, इस वाले शेल में आपकी एयर रह जाएगी, ये आपका ग्लाइकोल वाटर मिक्स हो जाएगा और ये जो आपकी स्टीम आ रही है, ये आपकी स्टीम आ रही है, यहां पे एयर है और ये जो वाटर है समझ ले ग्लाइकोल वाला वाटर है। अब ये जो स्टीम होगी ना, ये आपके इस ग्लाइकोल वाले वाटर को अब पुश करेगी और ये जो वाटर होगा ना, ये जो एयर है ना, एयर यहां पे जो एयर है ये इसको पुश करेगा और ये जो एयर होगी ना ये आपके बोर्डन ट्यूब में जाएगी और वो रीडिंग को फॉरवर्ड करेगा, यानी कि वो रीडिंग आपको शो कर देगा। ये सीक्वेंस होता है आपके बॉयलर्स के ऊपर साइफन का। अगर आप डायरेक्ट इन चीजों को यूज करेंगे तो भाई आप इन चीजों से गेज की डैमेज से आप बच नहीं सकते। उसके अलावा कुछ ऐसे पंप होते हैं स्लज टाइप पंप्स होते हैं, स्लज टाइप पंप्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप यहां पे पानी फिल कर देते हैं इस तरह के साइफन में, ठीक है, अब उसमें पानी फिल कर दिया लेकिन स्लज आया पीछे से, पंप ने स्लज का प्रेशर बढ़ाया, स्लज वाले पंप भी होते हैं, अब उसके अंदर क्या हुआ, वो स्लज आपके साइफन में आ जाएगा। अब इससे बचने के लिए फिर आप इसमें डिफरेंट तरह के ऑयल डिजाइनिंग होती है, ऑयल होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है, ऐसे ऑयल होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, चाहे वो आपका स्लज वाला वाटर है या कोई भी है, जाहिर सी बात है पंप आपके खाली किसी हार्ड चीज को तो पंप नहीं करेगा, वो लिक्विड वही करेगा लेकिन उसमें कचरा वगैरह होता है, स्लज होगी
तो वो आपके ऑयल में मिक्स ही नहीं होगा, तो ऑयल वहां पे खड़ा रहेगा आपका स्लज, तो जैसे ही वो उसको पुश करेगा तो पहले वो ऑयल को पुश करेगा और फिर वो स्लज को, और जब आप पंप बंद कर देंगे वो स्लज निकल जाएगा। जो ऑयल होगा वो ही आपकी गेज के अंदर जाएगा, स्लज आपकी गेज में, क्योंकि ये ऑयल और जो स्लज है वो मिक्स ही नहीं होगा। तो फिर वो ऑयल ऑलरेडी आ गया है, तो वो पीछे से स्लज उसको पुश करेगा, स्लज वाला वाटर, तो वो आगे उसको ऑयल रीडिंग आपकी गेज में चला जाएगा। तो इस तरह की ये इनकी वर्किंग होती है, यही एडवांटेजेस होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।